जय माता दी, जय श्री राम। आप सबका हमारे बिट्टू ब्लॉग में स्वागत है। और बताइए, आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? शिव भगवान का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, आप सब खुश रहिए, अच्छा से रहिए। ठंडी बहुत ज़्यादा है, मेरा तो हो गया सुबह का नहाना धोना, पूजा पाठ सब हो गया, चाय भी बना के पी ली हूँ। अब हिम्मत नहीं है, बज रहे हैं 9:30, खाना बनाने का मन नहीं हो रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है। अभी हम लोग ब्लोअर में बैठ गए हैं और बच्चे भी हमारे बैठे हैं वहीं। ये ब्लोअर चल रहा है हमारा। बेटू, कैसी तबीयत है आपकी? सही है। दवा खा ली? चाय भी पी ली? बिस्किट भी खा ली? नाश्ता हो गया? ऐसे ऐसे। चलो ठीक है, नाश्ता हो गया, अब चलते हैं, देखते हैं किचन में क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, क्योंकि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाएं। अभी चलते हैं, फिर देखते हैं। ये मेरा चाय का बर्तन वर्तन हो गया, अभी मैं धुलूंगी इकट्ठे, कुछ और भी काम कर लूं, फिर उसके बाद चावल में साफ करके रख ली हूँ। ये हमारा उबला हुआ पानी, इसको कहीं रख देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनाते हैं, कुछ बनाते हैं खाने के लिए। वैसे मैं सब करके रखी हूँ, बस बनाना ही है हमको। पानी को ढक देते हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा है तो पानी गर्म कर लेते हैं पीने के लिए। फिर एक ठंडी का कोई वो नहीं है कितना तेज है, बिस्तर उस्तर सब साफ कर दें। साफ ही हो गया है, झाड़ू पोछा भी लग गया है। फिर चलते हैं। बाहर का मौसम तो कितना ज़्यादा ठंड है, हिम्मत नहीं पड़ रही है, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, सो बंद ही कर देते हैं वीडियो। कल हम लोग आग जलाए थे, ये लकड़ी रखी, थोड़ा से पैर। बेटो, तुम्हारी गिल्टी थोड़ा से कपड़ा गर्म करके उसको सेंक दें, हो सकता है उससे आराम मिल जाए। नहीं, फायदा करेगा, हल्का हल्का कपड़ा गर्म करके सेंक देते हैं, फिर चलते हैं, सॉक्स पहन लेते हैं, उसके बाद फिर काम करते हैं और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ छोटा छोटा वीडियो बनाती हूँ, समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ, आप लोग बताइएगा क्या कैसे है। और प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।